आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेफ संजीव के साथ, किस प्रकार से सैलरीज मिलती हैं शिप के अंदर, इस सैलरी को वो कहां से विड्रॉल कर सकते हैं, और सैलरी से रिलेटेड ही हम लोग सारी बातें करने वाले हैं। तो संजीव, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि एक मिनिमम सैलरी कितनी मिल जाती है, क्योंकि कंपनी टू कंपनी तो डिपेंड करता है, बट जिस कंपनी में आप थे एक आप मुझे आइडिया बता दीजिए। शेफ, जैसे कि मैं कार्निवल क्रूज लाइन में था, तो हमारे यहाँ पे जॉब ट्रेनी जो होते थे, जॉब ट्रेनीज की हमारी सैलरी स्टार्ट होती थी 640 USD, उसके बाद जो कॉमीज थे 840 USD, CDP गैली 1380 USD, और ये डिपेंड करता था, अगर आप CDP स्टेक हाउस में तो आपको प्लस इंसेंटिव आता था, अगर आप सी फूड शेक पे है तो आपको प्लस इंसेंटिव आता था, तो ये आपका डिपेंड करता था, अगर आप अलग अलग सेक्शन में हैं तो उसके ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। ओके, तो सैलरी मंथली पे होती थी? नहीं, एवरी 14 डेज में पे डे होता था। ओके, और जो हर आपको 14 डेज में जो पे मिलती थी आपको, तो वो कहाँ, आपके बैंक अकाउंट में आती वो थी? वो हमारी डायरेक्ट कंपनी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती थी, कंपनी का हमारा बैंक अकाउंट ओपन कराती है जब हम शिप में एंटर करते हैं। ओके, तो बैंक अकाउंट ओपन कराने बाद एवरी 14 डेज में आपका पे डे उसी में आता था। तो मतलब जो भी आपने 14 दिन नौकरी करी है उसकी सारी तनख्वाह आपके कंपनी के द्वारा खुले हुए अकाउंट में चली जाएगी? चलिए, अगर उस अकाउंट से अगर मुझे पैसे निकालना है तो हम यूज़ करते थे वहाँ पे वेस्टर्न यूनियन, जो कि एक मनी ट्रांसफ़र साइट है। हाँ, उसके थ्रू हम अपना इंडिया में ट्रांसफ़र करते थे मनी। ठीक है, अगर मुझे वहाँ पे कुछ खर्चा करना है तो आपका वहाँ पे एक आपको ATM कार्ड मिलता था, सेम इंडिया की तरह डेबिट कार्ड, तो शिप के अंदर अपना ATM होता था, आप उससे कैश विड्रॉल कर सकते थे, प्लस आपको एक कंपनी एक कार्ड बना के देती थी जिसके अंदर आप अपने मनी ट्रांसफ़र कर सकते थे ऐप के थ्रू। जो कि कार्निवल की अपनी एक ऐप थी। हाँ, तो आपको अगर कुछ भी शिप पे यूज़ करना है अपना, जैसे आपको क्रू बार में जाना है, आपको कुछ फूड खाना है स्पेशल, तो आप उसका यूज़ कर सकते थे, उससे आपका पैसे डेबिट हो जाते थे। ओके, अगर मैं बोलता हूँ मैंने किचन में एंटर करा है और मैं एक अप्रॉक्स में 800 करीब सैलरी ले रहा हूँ, तो कितनी मैं सैलरी बचा सकता हूँ? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहे तो आप पूरी भी सैलरी बचा सकते हैं, क्योंकि आपका खर्चा कुछ नहीं है वहाँ पे, आपका अकोमोडेशन फ्री है, आपका फूडिंग फ्री है, आप आउटसाइड जाते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना खर्च करना है, और नॉर्मल ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो अपनी पूरी सैलरी भी सेव कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो पूरी की पूरी सैलरी सेव करके अपनी इंडिया में मैं भेज सकता हूँ। कॉलिंग के ऊपर कितना पैसा लग जाता है, कॉलिंग का क्या सिस्टम होता है? कॉलिंग तो सर, पहले जब मैं फर्स्ट कॉन्टैक्ट गया था तो हमारे को कार्ड मिलता था, $10 का कार्ड था, जिसमें 1 आवर की हमारे को टाइम लिमिट मिलती थी। okay. पर अभी तो सारे शिप में जैमर्स लग गए हैं, तो वाईफाई कॉलिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। okay. आप अपना वाईफाई का रिचार्ज करा सकते हैं, वो भी $4 to $6 अराउंड था। तो वो कितने टाइम चलता है वो उसमें आपके MBs के ऊपर डिपेंड है, वो MBs मिलते थे 150 MB के अराउंड आपको मिलता था। अच्छा, $4 में। अच्छा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना खर्च करना चाहते हैं। तो एक अप्रॉक्स $US में आप बता दो कितना एक महीने में मेरा लग जाएगा कॉलिंग के ऊपर, कॉलिंग या व्हाट्सएप के ऊपर? व्हाट्सएप भी यूज करते हो? $10 आपका मैक्सिमम, मतलब कि $10 बोले तो 720 करीब हो जाता है, 72 रुपीज का करंटली चल रहा है, तो आप बोल सकते हो 750 रुपये आपके कॉलिंग में लग जाएगा, खाने पीने का आपका खर्चा नहीं होगा। पर अगर हम लोग बाहर घूमने जाएंगे शिप से जाते, तो उस समय तो खर्चा होगा। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अगर कुछ नया घूमना है, कुछ खरीदना है अपने फैमिली के लिए, या आपने देखा मुझे ये अच्छा लग रहा है, तब तो ये तो बेसिक है, आपको करना ही पड़ेगा अपने ऊपर खर्चा। ठीक है, तो अगर हम लोग कहीं दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पे तो आपको खर्च करना ही पड़ता है, चाहे अकोमोडेशन हो, आपकी फूडिंग हो, ठीक है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए हो, पर शिप के अंदर ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, आपको रहने के लिए बिल्कुल फ्री हो जाता है, आपका खाने का आपको बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, और जो खाने के लिए भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फूड आपको मिलता है। यहाँ पे सिर्फ आपकी जो कॉलिंग के ऊपर आपका पैसा खर्च आप बोल सकते हैं कर रहे होते हैं, या कम्युनिकेशन के ऊपर इंडिया में कनेक्ट करने के लिए अपनी फैमिली या फ्रेंड से, बाकी कुछ और नहीं लगता है। तो संजीव, थैंक यू वेरी मच, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी। फिर से हम एक नए वीडियो में आएंगे और फिर और एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे।